Bismillahirrahmanirrahim. Dear Excellency, thank you very much for your very warm welcome. I will never forget today, especially this tree. I describe this as tree of brotherhood, tree of real, eternal brotherhood. This is the brotherhood of Turkey and Pakistan. Also, I would like to congratulate you, all brothers, because of this IDIAS defense exhibition. As Turkey, we are participating with more than 25 companies. This is the highest participation of Turkey to such an exhibition. So after Pakistan, Turkey is the second country with so many companies. Alhamdulillah, this is my fourth week in Pakistan and first day in Karachi. We are very close brothers. There are many opportunities. We will, inshallah, activate them. We will strengthen, deepen our brotherhood because Pakistan, Turkey, you know, whenever we need support, any party, Turkey or Pakistan, if there is a disaster in Turkey, Pakistan is the first country coming to help. If there is a problem in Pakistan, Turkey is the first country. So, inshallah, we will more strengthen this brotherhood. Once again, I would like to thank you, His Excellency Governor, for his very warm welcome. And I'm very happy to know him, such an active person, full of energy, mashallah. He also motivated me. We will work very hard together, inshallah. Thank you, Excellency. Thank you. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Excellency Ambassador Turkey, aaj Consul General Jamal Sangu Excellency ke saath Governor House aaye hain. Maine inka istiqbal kiya. Abhi jo hum andar baatcheet kar rahe the, मुझे बड़ी खुशी है कि तुर्किया पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं बल्कि मोहब्बत करना चाहता है, लव करना चाहता है, और वो हमें रिस्पेक्ट कर रहा है और करना चाहता है. तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि तुर्किया के लोगों के दिलों में, उनके प्रेसिडेंट और दुगान साहब के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, और यही मोहब्बत हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की भी तुर्किया और उनकी हुकूमत और उनके लोगों के लिए है. और आज जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बताया कि आज आइडियाज़ के अंदर तुर्किया की सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है, और एम्बेसडर साहब ख़ुद वहां सुबह मौजूद थे, उसकी ओपनिंग में कौंसल जनरल मौजूद थे. इनका पूरा अमला स्टाफ का इस वक्त आइडियाज़ के अंदर मौजूद है, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह हमारे और शोबों के अंदर नेवी के साथ, आर्मी के साथ तुर्किया का एक मज़बूत रिलेशनशिप है, ये अब उससे ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो तिजारत, एक दूसरे के साथ बाहमी तिजारत का जो है वो ताल्लुक़ बढ़ाना चाहते हैं. मैंने इन्हें SIFC के बारे में ब्रीफ किया. मैंने इनको बताया किस तरह हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चाहते हैं कि थ्रू SIFC पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, और उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पाकिस्तान माशी तौर पर और मुस्तहकम हो और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो. तो दिन रात आर्मी चीफ की जो कोशिश है वो हो रही है, और मैं खुशी से ये इजहार कर सकता हूँ कि उस कोशिश में हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, तुर्किया जिसमें सफ़े अव्वल के तौर पर आगे आ रहा है, और वो चाहता है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे. मैंने इन्हें कराची में इन्वेस्टमेंट के मौके बताए हैं कि अगर ये कराची सर्कुलर रेलवे में इन्वेस्टमेंट करें तो इस शहर की आबादी 30 मिलियन से ज़ायद की आबादी का शहर है, बड़ा इसमें पोटेंशियल है. इसके साथ साथ हमारे पास जो सिंध में माइनिंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, स्कोप है, उसको मैंने इनको ब्रीफ किया है. तो इन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ये अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन सारी प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाही देंगे,
और फिर ये लोग अपने लोगों को लेकर पाकिस्तान में और कराची के अंदर सिंध में भी इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जिस तरह मोहब्बत और प्यार के साथ तिजारत भी करना चाहते हैं। मैं एम्बेसडर को वेलकम करता हूँ। ये अभी जैसे इन्होंने ख़ुद बताया कि इनको सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने एक बात की कि हमें आज या कल इन्होंने अपनी कराची की जो एम्बेसी है उसमें जब अपने स्टाफ के साथ एम्बेसडर साहब ने मीटिंग की तो वो भी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक्टिव नहीं होना है, एक्स्ट्रा एक्टिव होना है, हाँ, और एक्स्ट्रा काम करना है और ये ताल्लुक़ को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है पर्सन टू पर्सन भी बड़ा मैटर करता है, तो मैं समझता हूँ कि एम्बेसडर साहब भी बड़े एनर्जेटिक हैं और वो चाहते हैं कि उनके रहते हुए जो है वो पाकिस्तान और तुर्किया की जो दोस्ती है वो मज़ीद मुस्तहकम हो, मज़ीद आगे बढ़े। और इसी तरह से हमारे जो कौंसल जनरल हैं जमाल सांगू साहब, वो भी बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने जिस तरह एक रिलेशनशिप हमारे साथ जो सिंध के लोगों के साथ, कराची के लोगों के साथ डेवलप किया है, मैं समझता हूँ उसकी भी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। मैं दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, आप यहाँ आए और आपने आकर हमारे साथ मिलकर आगे सफ़र जारी रखने का इरादा किया है। आप सबका शुक्रिया।